इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है झांसी से। आपको बता दें कि जब झांसी में अतीत अहमद का काफिला पहुंचा, तब वहां एसआरवी संवाददाता सबा खान ने उनके अधिवक्ता से बात की, तो अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस की बड़ी सुरक्षा मजबूती है और अभी तक किसी प्रकार की चूक का मामला सामने नहीं आया। अतीत अहमद के परिवार के लोग भी उनके काफिले के साथ चल रहे हैं, तो वहीं अतीत अहमद के परिवारजनों ने कुछ आशंका जताने की बात कही। उन्होंने उनकी बहन ने बताया कि मुझे एनकाउंटर जैसी घटनाओं को लेकर बड़ी ही डर अंदर बह रहा है और मुझे पुलिस प्रशासन से पूरा विश्वास है कि वह बड़ी सुरक्षा के साथ अतीत अहमद को प्रयागराज ले जाएंगे। चूंकि ये शासन का मामला है, सुरक्षा की दृष्टि से हम उनके साथ लगे हुए हैं, चूँकि हम उनके अधिवक्ता हैं पूरे मामले में जो है, इसलिए उनके साथ राजस्थान से आ रहे हैं। अभी तक सुरक्षा में से कोई चूक नहीं हुई है कि मतलब कोई उंगली उठाई जाए शासन और प्रशासन के ऊपर। नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। शासन जो है अपना कानूनी तरह से कार्य कर रहा है, वो अपने न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है कानून शासन, तो उनको जो है न्यायालय के जो है आदेश के अनुपालन में उनको जो है जनपद न्यायालय इलाहाबाद ले जाया जा रहा है। इसी के साथ झांसी से संवाददाता शबा खान की एक खास रिपोर्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है और सुरक्षा का पूरा ध्यान दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ नहीं, उनके घर के लोग हैं, फैमिली मेंबर है उनकी। मैम, क्या कहेंगे आप, सुरक्षा में कहीं चूक? हाँ, उनके बहन है साथ में। सुरक्षा में कहीं चूक लगी है? बहुत अच्छा रहा, ठीक रहा, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहा। प्रशासन मुस्तैद है, पूरी मुस्तैदी से जो है उनको ले जा रही है प्रयागराज। आपको क्या लगता है? हो सकता है प्रशासन का इतना स्टाफ साथ है, सारी रात सफर किए हैं, कुछ उनको आराम करना हो, कुछ स्टाफ बदलना हो, इसलिए वो रुक गए। विजय मिश्रा, एडवोकेट, प्रयागराज।